एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उन रूल्स के बारे में जो कि हमें ध्यान में रखना है जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हमारे सामने कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा तो पहले हम टेंस को चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। अगर हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वो चेंज होगा आपका सिंपल पास्ट में, ठीक। और अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में गिवन है तो आप उसे चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो सेम रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त। और मैंने पहले ही जो पिछली मेरी क्लासेस में मैंने सभी टेंसेस का स्ट्रक्चर आपको बता रखा है। अगर आपको देखना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज में जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो हमें अगर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और अगर जो सेंटेंस गिवन है आपका डायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और फिर से अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, अगर डायरेक्ट स्पीच आपकी इस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज को आप चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जहां बात आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। और पास्ट परफेक्ट टेंस को जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो चेंज नहीं होगी, उसमें जो टेंस होगा वो आपका सेम रहेगा, तो देर विल बी नो चेंज। और लास्ट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त। अब ये बात हुई आपकी टेंस की। अब हम आते हैं मॉडल्स पे। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई मॉडल है, मॉडल मैंने आपको पहले ही बता रखा है मॉडल्स क्या होते हैं, शैल, विल, मे, कैन। तो अगर इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हम शैल को चेंज करेंगे शुड में और विल चेंज होगा वुड। इसी तरह जो मे आपका मॉडल है वो चेंज होगा माइट में और कैन चेंज होगा आपका कुड में। तो अगर आप इन रूल्स का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप कभी भी, आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस आ जाए आप कभी भी गलती नहीं कर सकते अगर आप इनको ध्यान में रखें। ये बात हुई आपकी मॉडल्स की। अब हम आते हैं टाइम पर। सेंटेंस में जो डायरेक्ट स्पीच होगी अगर उसमें कोई टाइम गिवन है जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखे तो वो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा मैं बताती हूँ। अगर सेंटेंस में टुडे है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त टुडे जो वर्ड है उसको चेंज करेंगे दैट डे पर, किसमें, दैट डे। नेक्स्ट, टुमारो, टुमारो फ्यूचर के लिए यूज होता है, जो काम कल होना है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो वर्ड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त आप उसको चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो द को स्किप कर देते हैं, तो आप द को स्किप नहीं कर सकते, आपको एज इट इज जो टुमारो है उसको रिप्लेस करना है द नेक्स्ट डे से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है यस्टरडे। यस्टरडे जो है ज्यादातर पास्ट टेंस में यूज होता है, तो यस्टरडे जो चेंज होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त वो होगा द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट, टुनाइट, टुनाइट होगा आपका चेंज दैट नाइट में। फिर आती है बात दिस की। दिस जो आपका चेंज होगा वो होगा दैट में। इसी तरह दीज जो वर्ड है वो चेंज होगा दोस में। और हेयर, एच ई आर ई हेयर, हेयर जो चेंज होगा वो होगा आपका देर में। एंड देन अगो, अगो उसके लिए यूज होता है पास्ट के लिए, तो अगो आपका चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त बिफोर में। और नाउ जो वर्ड है वो चेंज होगा देन में। तो आज की क्लास से मैंने आपको बताया कि जब भी आपके सामने कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो और आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो आपको टेंस का ध्यान रखना है, आपको मॉडल का ध्यान रखना है अगर है उसमें प्रेजेंट, और टाइम भी देखना है। आपको हर चीज में चेंज करना होगा तभी वो जो इनडायरेक्ट स्पीच का आप सेंटेंस बनाएंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगा होगा और समझ भी आया होगा।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और लाइक करने में किसी का कुछ जाते नहीं है, तो प्लीज लाइक करें, जिससे कि मुझे भी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। मुझे लगता है कि आप लोग को मेरा काम पसंद आ रहा है और आप मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।